जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम लोग इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि 2023 में स्टॉक में कितनी तेज़ी आ गई है और कितनी तेज़ी आनी बाकी है, क्या ये कंपनी अपने ग्रोथ की ओर बढ़ चली है और क्या अब इसमें लगातार ग्रोथ ही होता रहेगा, हमें इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं, और साथ में जिन लोगों का पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, सभी पहलुओं को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले कंपनी के काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ओरिएंट ग्रीन नाम में ग्रीन लगा है, हालांकि नाम पे मत जाइए, कंपनी के काम ही ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। इसे देखेंगे तो विंड एनर्जी, जो सोलर पैनल बनाया जाता है, जो विंड टर्बाइन से बिजली बनाई जाती है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली बनती है, रिन्यूएबल पावर इसको कहते हैं, इस क्षेत्र में कंपनी काम काज करती है और काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। आपको पता है कि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है और काफ़ी ज़रूरी भी है रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा की जाए, इससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो इस तरह के क्षेत्र में जब कोई कंपनी काम करती है तो उसमें ग्रोथ आना लाजिम है। अब इस कंपनी के हम लोग फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बेसिस पे मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। तो मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप श्रेणी की श्रेणी में कंपनी आ जाएगी। और मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी के जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं उसको डिस्कस करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे शेयर प्राइस। देखेंगे तो शेयर प्राइस तो अभी कुछ खास नहीं, 14 रुपये के आसपास, हालांकि बढ़ने के बाद इतना हुआ है। अच्छी बात यह है कि बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है। सामान्यतः तो जो छोटी कंपनियाँ होती है और खासकर जो पेन स्टॉक, उनका शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से कम होता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कंपनी का आरओई और आरओसी पॉजिटिव में है। आरओई 2% के आसपास, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में इतना रिटर्न निकाल कर दे ही देगी। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, हालांकि ये स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार जरूर कीजिएगा। हालांकि फंडामेंटल के बेसिस पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहता है, तो इसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देख लेते हैं कि चार्ट क्या बोलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मैंने अभी 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर आप देखिए जून के बाद इस स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ये जून के बाद यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे कर करके लगातार ऊपर गया और 14 रुपये तक अभी इस कंपनी का प्राइस चला गया है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन आया है और अभी 14 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा है। थोड़ा और नीचे आ सकता है 13 रुपये के आसपास, तो जो लोग एवरेज करना चाहते हैं यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। हालांकि जब प्राइस यहाँ से उठने लगे तब एवरेजिंग कीजिएगा, नहीं तो नीचे आने लगे तब एवरेजिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी आप वेट कीजिए, नया व्यक्ति अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करेगा जब तक इस कंपनी का शेयर प्राइस इस लेवल के आसपास आते हुए ना दिखे। हालांकि यहाँ से यदि ऊपर जाने लगता है 13 रुपये के आसपास, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। देखिए यदि लंबी अवधि के चार्ट पर इस कंपनी के ग्राफ को देखें तो क्या समझ में आता है कि इस कंपनी ने पहले जो सबसे लंबा हाई लगाया है तकरीबन 20 रुपये के आसपास लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 20-22 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाया, और कब लगाया है इसकी यदि बात करें तो फरवरी 2022 में इसने अपना सबसे लंबा हाई लगाया था तकरीबन 20-22 रुपये के आसपास, जो कि मैंने आपको बताया। यानी कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस जो 14 रुपये के आसपास है, अभी रिट्रेसमेंट मारने आ रहा है नीचे, फिर जब प्राइस ऊपर उठेगा तो ये आराम से इस लेवल के आसपास, यानी कि 22 रुपये के आसपास आपको जाते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो चार्ट के माध्यम से तो ये पता लग सकता है कि अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल बना हुआ है कि शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। अब फंडामेंटल कंसिस्टेंस बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें इस कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट को देखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट में हम इस कंपनी के सेल्स की बात करेंगे कि कंपनी का सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो ये रहा सेल्स, और यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट का यानी कि जून क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। इसमें कंपनी का सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो लगातार बढ़ते भी आपको दिखा है, यानी कि पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी के खर्चे देखेंगे तो कंपनी ने अपने खर्चे पे भी कंट्रोल किया है। ये एक्सपेंसेज है, कमाई बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने खर्चे को भी कंट्रोल कर रही है। ये नहीं कि कमाई बढ़ रही तो खूब खुल के खर्चा करें, ऐसा नहीं, ये अच्छा मैनेजमेंट का निशानी होता है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको दिख रहा है कि नहीं, तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट बढ़कर तकरीबन 9.5 लाख 9 करोड़ के आसपास हुआ, जो पिछले क्वार्टर में माइनस में था, हालांकि उसके पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में था। धीरे धीरे अब ये कंपनी क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो कंपनी का है वह भी धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। तो ओवरऑल जब सब चीज़ कंपनी में ग्रोथ कर रहा है तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जरूरत हमें कह सकते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर एक कंसिस्टेंस बेसिस पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, और चूंकि जिस सेक्टर में काम करता है उसका भी फ्यूचर भारत में है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच विचार करके अपने एनालिसिस करके इसमें थोड़े बहुत पैसे जिस लेवल पर मैंने बताया वहाँ पर आप लगा सकते हैं। मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा, अपने एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।